आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, यदि आप लोग का भी प्लान है, आप लोग भी सोच रहे हैं एक डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, तो कितना खर्च आएगा एक स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए। ये देखिए, ये जो है 75 इंच का है, ये कितना इंच का है, 75 इंच का है, इसमें कितना खर्च लगता है। और कई सारे डीलर जहां से आप डिजिटल बोर्ड लेते हैं, वो सीधे तौर पे क्या करते हैं, ठग रहे हैं टीचर्स को। ठगने का मतलब, आपको डिजिटल बोर्ड तो दे देंगे लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, आपको कम रुपया में भी मिल जाएगा, लेकिन वो एक साल दो साल से ही सिर्फ काम को कर रहे हैं ये सब, ठीक है। उनको पता ही नहीं, 3 ईयर्स वारंटी दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। डिजिटल बोर्ड जब एक साल पुराना होता है, दो साल पुराना होता है, गौर कीजिएगा इस बातों को, जब ये आपका डिजिटल बोर्ड है, ये क्या है, ये एक हार्डवेयर है, जब ये 2 साल 3 साल पुराना होता है, तब इसमें प्रॉब्लम जो आना शुरू होता है। शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए एक ऐसे जगह से लीजिए जहां ट्रस्टेबल हो, जहां से कि आपको सर्विस इन फ्यूचर भी मिल सके, कोई दिक्कत ना हो। तो आज की इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, स्मार्ट बोर्ड प्राइस, ठीक है, 75 इंच का कितना में होगा, 65 इंच का कितना में होगा, और 86 का इंच का जो है कितना में होगा, स्मार्ट बोर्ड कहां से लेना चाहिए, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन आने में, जिससे कि टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को एक स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं, जिस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं। यदि आप डिजिटल बोर्ड कहीं से ले लेते हैं, तो टीचर्स को हम लोग नोट्स बना के भी देते हैं। जैसे कई सारे टीचर डिजिटल बोर्ड ले लिए लेकिन उसको अच्छे ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया गया, दूसरी जगह से लिए हैं, तो उसको नोट्स नहीं मिल पा रहा। हम लोग सिखाते भी हैं टीचर्स को आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, दूसरा हम लोग बना के भी देते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं या किस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप स्टडी करवाते हैं। तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9973725719, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर देना है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी आपको यदि जरूरत पड़े, ठीक है, कभी भी जरूरत पड़े आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग कहते हैं सर कॉल आप करते हैं, कभी कभी जो आप रिसीव नहीं कर पाते। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी मीटिंग में हो सकते हैं या कोई अन्य कार्यों में बिजी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, तो आपको तुरंत वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, इस नंबर को आप लोग सेव करके रख लीजिए, ठीक है। आगे इन फ्यूचर आपको ये नंबर जो है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, तीनों एक ही का नाम है। क्या है, डिजिटल बोर्ड बोलिए, स्मार्ट बोर्ड बोलिए, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोलिए, तीनों एक ही का नाम है। अब ये जो है प्राइस, ठीक है, ये जो है प्राइस, ये डिपेंड करता है 3 से 4 चीजों पे, ठीक है। पहला है वेंडर, किस लोगों से आप लोग ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है, कहां से आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। कई लोग बेचने वाले हैं, सपोज दैट एक कंपनी है एक्स, आप एक्स कंपनी को जो है बेचने वाले क्या है, कई लोग हैं, ठीक है, कई लोग हैं। हो सकता है कोई आपको 10 रुपया कम में दे, मतलब 10,000 कम में दे, कोई हो सकता है 5,000 कम में दे, कोई हो सकता है 3,000 4,000 कम में दे, ठीक है, कई सारे बेचने वाले हैं। तो वेंडर में हम लोग मुख्य रूप से 3 चीजों को देखते हैं। पहला देखते हैं वेंडर के पास ये जो है कितना एक्सपीरियंस है। अब देखिए, कोई जो है 1 साल से डिजिटल बोर्ड बेच रहा है और 3 साल का वारंटी दे रहा है, तो उसको तो पता ही नहीं है मार्केट के बारे में, तो सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस देखिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है आप टीम, ठीक है, या ऑफिस, जो ऑफिस वगैरह को देख सकते हैं आप लोग। कहा है कि यदि उनके पास टीम नहीं रहेगा, अकेला लोग रहेगा वो, तो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, आपको सर्विस नहीं दे पाएगा। एक टीम होना चाहिए, एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए, जिससे कि वो आपको सपोर्ट कर सके और आपको भी कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तीसरा, जैसे पहला आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए उसका, दूसरा टीम और ऑफिस, तीसरा रिव्यू या फीडबैक हम लोग पे काम करते हैं। सपोज दैट अभी यदि आप हमसे डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, आप बिहार के कहीं से हैं, आप यूपी के कहीं से हैं, झारखंड, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, आप कहीं से भी हैं, कोई भी स्टेट से, लगभग 8-10 स्टेट में हम लोग का मेनली काम चलता है। वैसे तो हम लोग का काम पैन इंडिया में चलता है, लेकिन ये जो 10 स्टेट का आपको नाम बताया, इसमें हम लोग का पूरा काम चलता है, ठीक है। तो आप कहीं से भी रहिएगा, तो हमारा रिव्यू आपको लोकल नियर बाय में, आपका लगभग 10 से 20 किलोमीटर में आपको नियर बाय में जो है रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। अब बिहार का है तो बिहार का पूर्णिया, पटना में अपना ऑफिस ही है, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 3800 हम लोग काम किए हैं। यूपी में आइएगा तो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, लगभग हम लोग 75 में काम किए हैं। जहां भी आप लोग जाते हैं यूपी में भी अपना नोएडा, लखनऊ में अपना ऑफिस देखने के लिए मिल जाएगा। इस टाइप से हम लोग नियर बाय में ऑफिस का भी व्यवस्था करके रखते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो है आपको स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहा होगा। तो आपको किसी भी लोगों से लीजिए, ऐसा नहीं है क्रिएटर्स माइंड टीम से लीजिए, किसी भी लोगों से लीजिए। तो आप 3 चीजों का मुख्य आपको जो है ध्यान रखना है। पहला एक्सपीरियंस, उसका जो है एक्सपीरियंस कितना है, कोई जो है 6 महीना से ऑफिस खोल के बैठा हुआ है और आपको जो है करके दे देगा, कम रुपया में डिजिटल बोर्ड दे देगा, लेकिन आप आगे चलकर क्या कीजिएगा, यहां फंस सकते हैं। दूसरा, टीम और ऑफिस उसका अच्छा होना चाहिए, ऑफिस हो या नहीं, टीम एक अच्छा होना चाहिए, आपको सपोर्ट मिल सके आगे भी, ठीक है। उसके बाद वो लोग जहां जहां लगाया हुआ है उसका रिव्यू बेस्ड हो, ठीक है, क्या हो, रिव्यू बेस्ड हो। तो इतना चीज आपको क्या देखना है वेंडर में। तो पहला चीज हो गया वेंडर। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है, आप कौन सा साइज का लेने वाले हैं, ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है प्राइस इसका। अब देखिए, पहला है 65 इंच, ठीक है, दूसरा क्या है 75, पहला 65, दूसरा क्या है 75, तीसरा क्या है 86।
तो ये मुख्य रूप से तीन साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में अभी चल रहा है। मार्केट में क्या है, तीन साइज का मुख्य रूप से डिजिटल बोर्ड चल रहा है। ये देखिए तीनों साइज आपका यहाँ पे है, इसी के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तीसरा टॉपिक जो है, ठीक है, ये जो है तीसरा टॉपिक हम लोग का, तीसरा आपका कंपनी, कौन सा कंपनी का आप लोग लेने वाले हैं। कई सारी कंपनी का आप लोग नाम भी सुने होंगे, जैसे कि मैक्सअप, सैमसंग, एलजी, इबोटा, कई सारे ऐसे कंपनी है जिसका कि आप लोग नाम सुने होंगे। लेकिन मेरा कहना है, अभी मार्केट की यदि बात की जाए दोस्त, तो 100 प्लस, कितना, 100 प्लस मार्केट में कंपनी है। लेकिन ट्रस्टेबल कंपनी की बात की जाए, जो कि सपोर्टिव है, जो कि आपको आगे चलकर सपोर्ट देंगे, मात्र 5 कंपनी ऐसा है, जो कि 5 से 10 ऐसा नहीं है, मात्र 5 से 10 कंपनी लगभग एक ऐसा है जो कि आपको अच्छा सपोर्ट करेगा, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, जिसका हार्डवेयर अच्छा है। तो ये कौन सा 5 से 10 कंपनी है, देखिए बदलते रहता है, ठीक है, टाइम के अनुसार। आज से 2 साल पहले कुछ अलग कंपनी था, अच्छा, और आज क्या है, कुछ अलग कंपनी हो गया। तो समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से जानकारी देगा कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 65 इंच का। यदि प्राइस का बात की जाए तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, हम आपको स्टार्टिंग प्राइस बताएंगे। सपोज दैट 65 इंच की बात की जाए तो आपका 95,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कहने का मतलब, कई सारा कंपनी है, 5 से 10 कंपनी अपने पास रहता है, ठीक है। तो कोई कंपनी 95,000, कोई कंपनी 1 लाख, कोई कंपनी आपका 1,10,000, 1,20,000 तक 65 इंच का मिलता है। तो ये हो गया आपका 65 इंच, ठीक है, 65 इंच का 95,000। 75 इंच की बात की जाए दोस्त, तो लगभग 1,30,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 86 इंच की बात की जाए तो लगभग सर 2 लाख से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से प्राइस है। अब यदि कंपनी लीजिएगा इससे और अच्छा, इससे और बेहतर, तो हो सकता है आपका ये प्राइस क्या है, थोड़ा बढ़े, ठीक है, हो सकता है ये प्राइस आपका बढ़े। लेकिन आपको ये ध्यान में देना है, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको ये 5,000-10,000 कम में भी दे देंगे। लेकिन चीजों को पहले समझिएगा, अच्छे तरीके रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि आप 1,00,000-1,50,000-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्या होता है ना, आरओआई, एक वर्ड होता है आप लोग सुने होंगे, आरओआई होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर रिटर्न आपको मिल रहा है कि नहीं। यदि सपोज दैट आज आप 2 रुपया लगा रहे हैं, ये 4 कब होगा, जबकि आप इस 2 रुपया को सही जगह पे खर्च कीजिएगा। समझ रहे चीजों को, यदि आप 2 रुपया को गलत जगह पे खर्च करिएगा तो आपको टाइम भी लेगा, आपको जो है जो खर्च जहां पे कीजिएगा वो टाइम भी लेगा, और ये जीरो आपको क्या परिणाम देखने के लिए जीरो मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझना है चीजों को। उसके बाद आरओआई मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, सही जगह से सामान को लेना है, जिससे कि आप कहीं भी पढ़ाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, आपको हर एक जगह पर वो लोग सपोर्ट करे, ठीक है। गलत जगह से ले लीजिएगा, हो सकता है 10 रुपया, 10,000, 5,000 रुपये आपको कम में मिल जाए, लेकिन वहां पे आपको हमेशा खराब होगा। तो 10 जगह बात कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहिए कैसे ठीक करे, कैसे करे। तो इसलिए पैसा के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है आपको 1 लाख, यहाँ जो 95,000 बताए, कोई 90,000 में कोई आपको दे दे, 5,000 के चलते आप 90,000 को बर्बाद नहीं करना। आपको ऐसा नहीं है जो क्रिएटर्स माइंड कंपनीज लेना है, लेकिन हाँ जहां भी लेते हैं रिसर्च कीजिए, चीजों को समझिए, जैसे कि आपको बताया गया है ऊपर में क्या क्या आपको देखना है। देखिए एक्सपीरियंस क्या है, टीम क्या है, रिव्यू क्या है, ये सब चीजों को देखिए। ऐसा नहीं एक ही कंपनी बेहतर है, बहुत सारा कंपनी बेहतर है, ठीक है। यदि आप क्रिएटर्स माइंड टीम से लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, 9973725719, ठीक है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।